हेलो दोस्तों, तो मैं आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल माइंड और जी सैमसंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एंड्रॉइड डिवाइस में चाहे वो कोई सा भी हो, आप द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी उसके फुल एच डी ग्राफिक्स के साथ, वो भी उसका हाईली कंप्रेस्ड 450 MB में, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अनलिमिटेड कॉइन्स है, अनलिमिटेड कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं जल्दी से बताया था हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले तो आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है। अपना प्ले स्टोर खोलने का तो आपको अपने प्ले स्टोर पर सर्च करना है जेड अचीवर नाम का एप्लीकेशन आ जाएगा। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर आपको क्या करना है, मैं इसके APK और डेटा की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आपको डायरेक्ट सिर्फ उसके APK को खोलना है दोस्तों। तो APK जो है वो ड्राइव का है, आप लिंक खोलेंगे या हाल खुल जाएगा। डायरेक्ट लिंक दिए हुए मैंने, कोई भी लिंक श्रिंक वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो आप बस जैसे ही इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे ये APK डाउनलोड होने लग जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, देखिए मैंने जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दिया है। और दोस्तों मेरा नेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो ये दोस्तों डाउनलोड होने लग गया, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और ये दोस्तों गेम का डेटा जो है उसका लिंक है, आप इसे क्रोम में खोल देना। अब क्रोम में खोलने के बाद आपको एक डाउनलोड फाइल 477 MB दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। कुछ ऐड वगैरह आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये भी डाउनलोड होने लग गया है, तो मैं इसे कैंसिल कर चुका हूँ क्योंकि मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। तो फिर आपको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, अपना जेड अचीवर खोलना है और जहाँ पर आपने गेम डाउनलोड किया वहाँ पर जाना है। अब मैंने दोस्तों कहाँ डाउनलोड किया था, एक मिनट दोस्तों मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा इनसाइड द गेमर, आपको दिख रहा है ये रहा मेरा डाउनलोड। तो आपको इस पर एक बार टैप करना है, व्यू पर क्लिक कर दें, क्लिक आएगा तो ये फाइल लिस्ट में आ रहा है, ऐसा फोल्डर आएगा। तो आपको जो com.gameloft का फोल्डर है पूरे पर क्लिक करके दबाए रखना है, कॉपी करना है। कॉपी करने का चाहे भी SD कार्ड में करिएगा, इंटरनल में, एंड्रॉइड में, और OBV फोल्डर पेस्ट करना है। अगर आपका उन्होंने OBV का होल्डर नहीं है तो इसे बना लीजिए, मैं पेस्ट कर चुका हूँ दोस्तों। तो आपको बस इसे पेस्ट कर देना और ये गेम चल जाएगा। अब मैं पेस्ट कर चुका हूँ तो मैं पेस्ट नहीं करूँगा। तो पेस्ट करने के बाद दोस्तों कुछ नहीं, बस गेम चल जाएगा। तो गेम का मैं गेम प्ले वीडियो में दिखाई दिया था, लेकिन मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेक्निकल वीडियोज़ रोज़ लाता रहता हूँ, अजब गजब वीडियोज़, बहुत सारी वीडियोज़ और एजुकेशनल वीडियो से ज़्यादा लाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए गेम प्ले दिखाता हूँ।